हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास सिक्स की एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का, वह है देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास, एंड हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो ये हमारा पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसका सोल्यूशन चेक करते हैं हम। इसमें हमें गिवन है एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स है, गर्ल्स का काउंट है वो है 20 एंड जो नंबर ऑफ बॉयज है वो है 15। बॉयज इक्वल्स टू है 15। हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल टू द नंबर ऑफ बॉय। हमसे रेशियो पूछा गया है नंबर ऑफ गर्ल टू द नंबर ऑफ बॉय। तो रेशियो को हमें लास्ट वीडियो में चेक किया था, जैसे कि रेशियो इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल अपॉन नंबर ऑफ बॉय, वो होगा 20 अपॉन 15। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये पता है जैसे कि 5 की टेबल पे कट हो जाएगा, तो इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3। तो जो रेशियो हो जाएगा वो रेशियो हो जाएगा 4:3। ठीक है, अब इसके बी पार्ट में पूछा गया है हमसे व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमें गिवन है जो गर्ल्स है वो है 20 एंड बॉयज है 15। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम निकाल लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल्स टू हो जाएगा 20 प्लस 15, ये हो जाएगा 35। तो ये जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और जो हमें रेशियो निकालना है वो निकालना है हमें नंबर ऑफ गर्ल टू दी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दी क्लास। तो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो हमें गिवन है 20, तो नंबर ऑफ गर्ल जो है अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 35। इसे हम अगेन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये जैसे कि हमें पता है ये 5 के टेबल पे कट हो जाएगा, तो ये 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। तो ये हमारा जो रेशियो हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो जो आ जाएगा वो आ जाएगा रेशियो इक्वल्स टू 4:7। हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा जा रहा है आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन द क्लास 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। तो एक 30 बच्चों का ग्रुप है हमारे पास जिसमें से जो 6 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं फुटबॉल को, ठीक है, और जो 12 बच्चे हैं वो लाइक करते हैं क्रिकेट को, एंड जो रिमेनिंग है वो लाइक करते हैं टेनिस को।
हमें पता चल जाएगा यहाँ से हम इन दोनों को ऐड करके 30 में से माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग बचे होंगे वो 10 इसको लाइक करेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 12 लाइक करते हैं 10 इसको, तो ये हमने निकाल लिया कि कितने स्टूडेंट कौन कौन सी चीज़ों को लाइक करते हैं। अब हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रेशियो, रेशियो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। तो हमें रेशियो निकालना है कितने बच्चे फुटबॉल को लाइक करते हैं टू द रेशियो निकालना है कितने बच्चे टेनिस को लाइक करते हैं। तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा, रेशियो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे फुटबॉल को लाइक करते हैं वो हमारे पास है 6 अपॉन टेनिस को जो बच्चे लाइक करते हैं वो है हमारे पास 12। ये हमें जैसे कि देखने से पता चल रहा है, इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2। ये हमारा 1:2 आ गया इसका आंसर। अब हम इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये बी पार्ट है हमारा, तो इसका रेशियो जाएगा, रेशियो इक्वल्स टू निकाल लेंगे हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्रिकेट को लाइक करते हैं वो है 12, एंड जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास वो हमें गिवन था 30। ठीक है, तो ऐसे हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, पहले 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/15, अगेन ये 3 से कट हो जाएगा तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो अब ये 3 से कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा, ये 3 से कटेगा तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो आएगा हमारा वो आएगा 2:5 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फिगर गिवन है, ये हमें एक फिगर गिवन है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स है, जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, ये ट्रायंगल एंड यहाँ पे सर्कल है दो। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है रेशियो फाइंड करना है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा जा रहा है रेशियो जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है रेशियो नंबर ऑफ ट्रायंगल टू दी नंबर ऑफ सर्कल। तो हमें रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल टू दी नंबर ऑफ सर्कल के बीच में। तो हम सबसे पहले इन सब का काउंट लिख लेते हैं कि ट्रायंगल कितने हैं इस फिगर में। तो जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है इस फिगर में वो है 1, 2 एंड 3। 3 हमारे पास ट्रायंगल गिवन है, एंड जो सर्कल है, सर्कल्स हमारे पास इसमें 1 एंड 2, 2 सर्कल्स हो गए। ठीक है, एंड इसके जो हमें गिवन है वो है स्क्वायर्स इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास 1, 2 स्क्वायर गिवन। ठीक है, एंड टोटल जो फिगर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 है, एंड टोटल इक्वल्स टू 7 है। तो जो पहले में हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ ट्रायंगल टू दी नंबर ऑफ सर्कल, तो ट्रायंगल हमारे पास 3 है, सर्कल हमारे पास 2 है, तो हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं इसका। तो रेशियो हो जाएगा, रेशियो इक्वल्स टू 3:2, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल 3 है, सर्कल 2 है, तो रेशियो हो जाएगा हमारे पास 3:2। ठीक है, पार्ट बी में हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ स्क्वायर टू दी ऑल फिगर इनसाइड दी रेक्टेंगल।
ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इसमें फिगर है, तो हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ स्क्वायर टू दी ऑल फिगर इनसाइड दी रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ फिगर्स हमारे पास वो है 7, तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ये हमारा पार्ट ए था, ये पार्ट बी है। पार्ट बी में जो रेशियो जाएगा, रेशियो नंबर ऑफ स्क्वायर टू दी नंबर ऑफ टू ऑल दी फिगर, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो स्क्वायर हमें गिवन है वो है 2, एंड टोटल जो नंबर ऑफ फिगर्स है वो 7 है इस रेक्टेंगल में। तो ये हो जाएगा 2:7। पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट ऑफ 3 में हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ सर्कल टू दी ऑल फिगर, तो हमारे पास जो टोटल सर्कल है वो 2 है एंड टोटल फिगर्स है वो 7 है, तो इसका रेशियो हो जाएगा हमारे पास रेशियो इक्वल्स टू सर्कल हमारे पास है 2 एंड टोटल नंबर ऑफ फिगर है 7, तो इसका भी रेशियो हो जाएगा 2:7। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे रेशियो पूछा गया है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रोहन टू दी स्पीड ऑफ राजू। इसमें क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय रोहन एंड राजू इन एन आर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस गिवन है जो रोहन एंड राजू ने ट्रेवल किया है 1 घंटे में, ठीक है, और हमें रेशियो निकालना है उनकी स्पीड का। तो डिस्टेंस जो रोहन ने कवर किया है, रोहन ने डिस्टेंस कवर किया वो है 9 किलोमीटर, ठीक है, और जो राजू ने डिस्टेंस कवर किया है वो है 12 किलोमीटर, ठीक है। बट हमें डिस्टेंस का रेशियो नहीं निकालना है, हमें स्पीड का रेशियो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीड फाइंड कर लेंगे। तो हमें पता है स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमें गिवन है वो है, हम सबसे पहले रोहन के लिए निकाल लेते हैं। तो रोहन के लिए जो हो जाएगा डिस्टेंस हमें गिवन है वो है 9 किलोमीटर एंड जो टाइम है वो है 1 आवर। तो ये जाएगा, ये हमारा 9 ही आ जाएगा, रहेगा 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, स्पीड निकाल लेते हैं हम राजू के लिए। तो स्पीड हो जाएगा राजू के लिए वो हो जाएगा, डिस्टेंस में गिवन है 12 किलोमीटर एंड ये भी टाइम ले रहा है 1 आवर, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और जो हमें रेशियो निकालना है वो रेशियो निकालना है रोहन की स्पीड टू स्पीड ऑफ राजू। तो जो रोहन का स्पीड आया है वो है 9 किलोमीटर पर आवर, तो रेशियो जो हो जाएगा, रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा 9:12। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं इसे 9/12 को ये 3/4 हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:4। ये जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है, हमने एग्जांपल्स में भी सॉल्व कर दिया था। इसके लिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इस क्वेश्चन में एक सीमा है जो अर्न कर रही है ₹1,50,000, ठीक है, एंड उसमें से सेव कर रही है 50,000 को सेव कर लेते हैं, ठीक है। हमें फाइंड करना है रेशो, जो पहला है इसमें उसमें फाइंड करना है रेशो मनी डेट सीमा अर्न्स टू दी मनी सी सेव्स। जो पहला रेशो है वो हमें फाइंड करना है कि वो कितना अर्न कर रही है टू दी कितना वो सेव कर रही है। तो जैसा सीमा जो है वो अर्न कर रही है 1,50,000 रुपीज़,
तो जो इसका रेशियो हो जाएगा सीमा अर्न, सीमा जो अर्न कर रही है वो है 1,50,000 रुपीस, एंड जो सेव कर रही है वो है 50,000 रुपीस। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा, रेशियो वो हो जाएगा हमारा टोटल अर्न कर रही है 1,54×0/50,000। ठीक है, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जीरो से जीरो कट जाएंगे तो ये बचेगा 15/5। अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 के टेबल पे हम कट कर देंगे तो ये रहेगा 1/ ये 15, ये 3 पे जाएगा तो ये जो हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:1। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया था रेशियो निकालना है हमें, मनी डेट सीमा अर्न टू दी मनी सी सेव्स, एंड एक सीमा है जो अर्न कर रही है 1,50,000 रुपीस एंड सेव कर रही है 50,000 रुपीस। ठीक है, तो रेशियो में निकालना था अर्न कितना वो अर्न करती है, तो वो अर्न करती है 1,50,000 अपॉन हमने लिख दिया 50,000 रुपीस, देन ये हमने जीरो से जीरो कैंसिल कर दिए, ये हमारा बचा 15/5। तो ये 5 के टेबल पे हमने इसे कट कर दिया तो ये हो गया 3/1। तो इसका रेशियो आ गया हमारा 3:1। ठीक है, अब हम इसका बी पार्ट को चेक कर लेते हैं। बी पार्ट में हमसे पूछा गया रेशियो फाइंड करना है, मनी डेट शी सेव टू दी मनी सी स्पेंड। तो रेशियो जो सीमा है वो टोटल अर्न करती है रुपीस 1,50,000। ठीक है, एंड वो सेव कर रही है 50,000 रुपीस। सो वो स्पेंड कितना करेगी, इसके लिए हम निकालेंगे स्पेंड कितना करती है। स्पेंड हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1,50,000 में से माइनस कर देंगे 50,000 को तो वो हो जाएगा हमारा 1,00,000 रुपीस। ठीक है, तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमें पता है मनी सेव जो करती है वो है 50,000 एंड जो स्पेंड कर रही है वो है 1,00,000 रुपीस। सो रेशियो हो जाएगा 50,000/1,00,000। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जीरो से जीरो क्या कैंसिल कर देंगे तो 4 ज़ीरोस ये कट जाएंगे तो ये होगा 5/10। इसे अगेन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो रिक्वायर्ड रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें पूछा जा रहा है रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ टीचर टू दी नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक हमें स्कूल है जिसमें 120 टीचर्स है, ठीक है, एंड जो स्टूडेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट है वह 3300 एंड 120 टीचर है और हमें रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ टीचर टू दी नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसका जो रेशियो रहेगा, रेशियो नंबर ऑफ टीचर टू दी नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है जो टीचर्स है वो है 102 एंड जो स्टूडेंट है वो है 3300। सो इनका रेशियो जो हो जाएगा वो जाएगा
102:3300। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 102/3300। सबसे पहले हम इसे 2 की टेबल पे कट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 1, एंड ये हो जाएगा 1100। यहाँ पे हमारा आएगा, इसकी जगह आएगा 1650 आएगा, क्योंकि हमने इसे 2 से कट कर रहे हैं पहले। ये होगा 51/1650। ठीक है, अगेन हम देखते हैं ये और सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा और सिंप्लीफाई होकर लास्ट में आ जाएगा 17/550। ठीक है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड रेशो जाएगा वो होगा 17:550। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में बस ये जो क्वांटिटीज़ थी इसकी वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी थी, इसे हमें बस सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट 2300 आर गर्ल्स, फाइंड करना है रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम एक कॉलेज है जिसमें टोटल जो कॉलेज की स्ट्रेंथ है वो है 4320। ठीक है, तो टोटल जो है वो है 4320 एंड गर्ल्स है वो है 2300। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम बॉयज़ फाइंड कर लेते हैं। बॉयज़ इक्वल्स टू हो जाएंगे, माइनस कर देंगे टोटल में से गर्ल्स की स्ट्रेंथ को, तो ये नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 20। ठीक है, ये हमने बॉयज़ निकाल लिया है एंड अब हमें गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल गए। तो अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है रेशियो में फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो रेशियो हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स है हमारे पास 2300। ठीक है, तो ये जाएगा 2300 रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारे पास 4320। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये हमारा 2300/4320। जीरो से जीरो हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ से कट कर दिया। अब हम इसे 2 के टेबल पे कट कर देंगे तो ये अगेन हो जाएगा हमारा 115/, ये हो जाएगा 2 and 16। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 115:216। ठीक है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। पार्ट बी में हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो बॉयज थे वो है 2020। ठीक है, एंड जो गर्ल्स है वो है 2300। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो जो जो आएगा हमारा, रेशियो इक्वल्स टू 2022/2300। यहाँ से हम जीरो से जीरो को कैंसिल कर देंगे तो जाएगा 2022/2300। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 101, ये हो जाएगा 115। तो ये जो हमारा रेशियो हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 101:115। ठीक है, इस क्वेश्चन का पार्ट सी भी है हमारे पास। पार्ट सी में हमसे पूछा गया है रेशियो फाइंड करना है, वो फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉय टू टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमें पता है वो है
बॉयज़ जो है वो है 20 20, एंड जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है 4320। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 202432। इसे अगेन हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 101 अपॉन में हो जाएगा 216। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो जो हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा हमारा, यह जाएगा 101:216। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ डर्जन पेन इज 180 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज 56 रुपीज। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। ठीक है, हमें रेशियो फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। ठीक है, बट जो हमें प्राइस गिवन है वो दर्जन पेन का गिवन है, वो है 180 रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन का गिवन है 56 रुपीज़। तो दर्जन में जो होते हैं 12 पेन्स होते हैं, तो 12 जो 12 पेन का कॉस्ट है, 12 पेन का जो कॉस्ट है वो रुपीज़ है 180। ठीक है, एंड जो 8 बॉल पेन का जो कॉस्ट है वो हमें गिवन है 56 रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि कॉस्ट ऑफ वन पेन का निकाल लेते हैं कितना रुपीज़ है, एक पेन का कॉस्ट। तो यहाँ पे 12 है, इसे हमें 1 बनाना है। तो ये 1 कैसे बनेगा, जब हम 12 को 12 से डिवाइड कर देंगे इस साइड भी एंड इस साइड भी, इसको डिवाइड करेंगे 180 को 12 से, तो ये जाएगा 1 पेन का जो कॉस्ट होगा ये हो जाएगा, इसे कट करेंगे तो 2 से पहले कट कर देते हैं तो ये 9 0, ये हो जाएगा 6। अगेन जब कट करेंगे तो ये जाएगा 30/2 हो जाएगा, तो अगेन जब कट करेंगे तो ये जाएगा 15। ठीक है, तो एक पेन का जो कॉस्ट आ जाएगा वो जाएगा 15 रुपीज़। एक पेन का कॉस्ट आ गया हमारे पास 15 रुपीज़। ऐसे हम एक बॉल पेन का कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमें 8 बॉल पेन का जो कॉस्ट गिवन है वो गिवन था हमें 56 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें एक बनाना है, तो इसे हम अगेन क्या करेंगे, दोनों साइड 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 56/8। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 बॉल पेन का जो कॉस्ट हो जाएगा ये जो 1 बॉल का पेन का कॉस्ट हो जाएगा वो हमें पता है 8 7 56 होता है, तो इसे हम कट करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक पेन का कॉस्ट है वो है 15 रुपीज़ एंड एक जो बॉल पेन का कॉस्ट है वो है 7 रुपीज़। तो जो हमें रेशियो पूछा गया था, हमसे पूछा गया था रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ बॉल, कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, तो हम यहाँ से रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो ये जो रेशियो हो जाएगा, रेशियो वो हो जाएगा हमारा 15:7। इस क्वेश्चन में बस हमें ये फाइंड करना था कि एक पेन का कॉस्ट कैसे निकालेंगे और एक बॉल पेन का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसके बाद सिंपल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन रेशियो ऑफ 3:2। इसमें हमें डिवाइड करना है 20 पेन्स को शीला एंड संगीता के बीच में। ठीक है, हमारे पास 20 पेन्स है, 20 पेन्स है हमारे पास, एंड इन पेन्स को डिवाइड करना हमें शीला एंड संगीता के बीच में, और ये कौन सी रेशियो में डिवाइड करना है, वो है 3:2 के फॉर्म में। तो इस रेशियो से हमें पता चल जाएगा कि इस पेन के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे टोटल, इनका सम कर लेते हैं, रेशियो का सम हो जाएगा, वो हो जाएगा 3+2=5। मीन्स इस 20 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे
एंड जो थ्री पार्ट्स है वो शीला के पास जाएगा एंड जो टू पार्ट्स है वो संगीता के पास जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, ये शीला के लिए हमने निकाला तो ये हो जाएगा टोटल हमारे पास कितना है, 20 है पेन से। इसके बाद इसको पांच पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब शीला के पास तीन पार्ट जाएगा तो शील इसके लिए हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया फोर इंटू थ्री, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 12। तो शीला के पास जो पेंस होंगे वो जाएगा 12। ऐसे ही हम संगीता के लिए निकाल लेते हैं, तो संगीता के लिए जो जाएगा हो जाएगा 20 अपॉन टोटल 5 है और इसको जो देना है वो टू पार्ट्स देना है, तो इसके लिए इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है ये वैल्यू 4 है, 4 इंटू टू हो जाएगा 8। तो ये हमारा हो जाएगा संगीता के पास 8 पेन जाएगा। एक हम और मेथड से कर सकते थे कि शीला के पास 12 गया है तो संगीता के पास टोटल तो हमारे पास 20 है, तो संगीता के पास ऐसे भी हो सकता है कि 20 माइनस 12 वो सिंपली 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा शीला के पास 12 है एंड संगीता के पास जो पेन है वो है 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मदर्स वांट टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स निशा एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। इफ द एज ऑफ निशा इज 15 ईयर एंड एज ऑफ भूमिका इज 12 ईयर, फाइंड हाउ मच निशा एंड भूमिका विल गेट। इसमें मदर अपने बच्चों के बीच में ₹36 को डिवाइड करना चाहती है, बट जो डिवाइड करना चाहती है वो इनके एज के रेशियो के बीच में डिवाइड करना चाहती है, जितने उसके एज का रेशियो आएगा। तो जो निशा का एज हमें गिवन है, निशा को जो एज है वो है 15 ईयर, ये 15 ईयर, ठीक है। एंड जो भूमिका का एज है वो है 12 ईयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के एज का रेशियो निकाल लेंगे। तो इनका एज का जो रेशियो हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 15:12। इसे हम और सिंपलीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15/12 इक्वल्स टू, ये 3 के टेबल पे कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये 5/4 हो गया। तो जो रेशियो आ गया हमारा आ गया 5:4। और जो हमारे पास जो अमाउंट है जिसे वो डिवाइड करना चाहते हैं मदर, वो है अमाउंट इक्वल्स टू हमारे पास ₹36 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेशियो का सम निकाल लेते हैं। तो रेशियो का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 5+4=9, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ जाते हैं कि जो ₹36 है उसी टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें से 5 पार्ट्स वो निशा के पास जाएगा एंड 4 पार्ट्स भूमिका के पास जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको प्राइस निकाल लेते हैं कि कितना अमाउंट निशा के पास जाएगा। तो वो 36/9, अब ये हमने डिवाइड कर दिया 9 पार्ट्स में, अब इसमें से 5 पार्ट्स जाएगा तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये कट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 5×4 ये हो जाएगा ₹20, ठीक है। और भूमिका के लिए आ जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा सेम, हम भूमिका के लिए निकालेंगे 36/9 और भूमा के पास 4 पार्ट्स जाएगा तो इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो गया, ये 4 हो जाएगा, कट करेंगे तो इसको 4×4 हो जाएगा 16, ठीक है। तो निशा के पास जाएगा वो जाएगा ₹20, ठीक है,
एंड जो भूमि के पास मिलेगा पैसा वो इसके पास जाएगा, वो होगा 16 रुपीज़। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।